अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त एतराज़ अहसन। आप देख रहे हैं मेरा चैनल एहसन नॉलेजी फॉर टेक। तो भाई आज वो फ़ोन मैं आप लोगों के लेके आया हूं जिसका मुझे आप लोग कमेंट कर रहे थे इंस्टाग्राम के ऊपर कि भाई LG वेलवेट का गेमिंग रिव्यू कब आएगा, आप जल्दी से लेकर आएँ और हमें बताएँ अगर हम लोग ये फ़ोन परचेज़ करें, क्योंकि आप लोगों को पता है इसके अंदर स्नैपड्रैगन 845 का प्रोसेसर है। लेकिन उसके अलावा इस फ़ोन के अंदर गेमिंग मोड के अंदर मुझे काफ़ी ज़्यादा चीज़ें जो है ना वो आपके लिए देखने के लिए अच्छी मिली हैं। तो वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो, हम एक लिविक का मैक्स लेंगे, उसमें मैं अंदाज़ा रहेगा कि जो ये फ़ोन है वो कैसा है। वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो इसलिए शुरू करते हैं। तो भाई आज मैंने यहाँ पे दूसरा कैमरा नहीं लगाया, लास्ट में मैं आपको बताऊंगा इसने कितने मिनट के गेमिंग के अंदर कितनी बैटरी को ड्रेन किया है। तो सबसे पहले मैं इसका स्क्रीन रिकॉर्डिंग ऑन कर लेता हूँ। अब हम लोग पहुँच जाएंगे और शिफ्ट हो जाएंगे अपनी स्क्रीन रिकॉर्डिंग की तरफ। और भाई स्क्रीन रिकॉर्डिंग हमारी ऑन हो गई है, और अगर बैटरी की बात करूँ 95% अभी बैटरी है, 947 हो रहे हैं। और अब हम चलेंगे अपने पबजी की तरफ। पबजी को मैं ऑन कर लेता हूँ। भाई ऑन करने के साथ यहाँ नीचे आपको एक ये मिल रहा होगा जॉयस्टिक, जब मैंने इसको ये क्लिक कर दिया आपके सामने ऑप्शन आ गए हैं। आप देखिए इसमें म्यूट मीडिया का ऑप्शन आ गया है, उसके अलावा डिसेबल अलर्ट ड्यूरिंग गेमिंग का ऑप्शन आ गया, AI गेम ऑप्टिमाइजर, इसको मैं ऑन कर लेता हूँ। ग्राफिक्स की बात करूँ तो मैंने इसको फुल हाई रेजोल्यूशन और हाई फ्रेम रेट्स पर रखा हुआ है। उसके अलावा अगर मैं बात कर लूँ, अभी मैंने जैसे ही हाई फ्रेम रेट पर क्लिक किया तो गेम जो है वो बंद होकर ऑन हुई है, और अभी तो वो जो इसके अंदर ऑप्शन आ रहा था जॉयस्टिक वाला वो भी चला गया, लेकिन उसको मैंने वापस लेकर आना है आप लोगों के लिए, वो काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है आप लोगों के लिए। उसके अलावा टेक आ ब्रेक का ऑप्शन आ रहा है, टेक आ स्क्रीनशॉट और सर्च इन यूट्यूब, यानी कि आप डायरेक्ट यूट्यूब के अंदर जाके अपनी वीडियो को रिकॉर्ड कर सकते हैं। फ़ोन अभी बिल्कुल ठंडा पड़ा है भाई, सर्दी हाथ में पकड़ा नहीं जा रहा, फ़ोन अभी कहीं से कोई हीट अप नहीं है, कोई वार्म नहीं है। और आप लोगों को जैसे पिछली वीडियो में बताया था OLED इसका डिस्प्ले है, और डिस्प्ले के ग्राफिक्स जो है वो काफ़ी ज़्यादा अच्छी हैं। अब हम लोग चलते हैं अपनी गेम की तरफ, ज़्यादा आपको मैं टाइम ज़ाया नहीं करूँगा, जस्ट इसका मैं साउंड ओपन कर लेता हूँ। साउंड इसका थोड़ा कम था, ये मैंने आप लोगों को पहले भी बताया रहा। और अगर हम चलते हैं सेटिंग्स में और इसके ग्राफिक्स की तरफ चलते हैं, तो भाई आपको स्मूथ पे अल्ट्रा, बैलेंस पे अल्ट्रा, HD पे हाई मिल जाता है, और कोई ऑप्शन देखने के लिए नहीं मिलता। तो हम स्मूथ पे अल्ट्रा रखेंगे, यानी कि 40 FPS आपको प्रोवाइड करता है। एक मैच लगा लेंगे हम लिविक में जाके, जैसे गेम स्टार्ट होती है फिर मैं आपसे मिलता हूँ। तो गेम जो है वो हमारी स्टार्ट हो चुकी है, और भाई अगर मैं आप लोगों को बताऊं तो डिस्प्ले जो है इसका काफ़ी ज़्यादा स्मूथ है, और कलर्स भी काफ़ी ज़्यादा अच्छे हैं। जल्दी से जायरो को ऑन कर ले, तो मैं जायरो के साथ खेलता नहीं हूँ, लेकिन जायरो ऑन करके देख लेंगे कि जायरो आपको इसमें देखने के लिए कैसा मिलता है, हार्डवेयर बेस है कि नहीं। तो भाई जायरो इसमें काफ़ी ज़्यादा ज़बरदस्त है, इसको मैं जल्दी से बंद कर लेता हूँ क्योंकि मैं जायरो के साथ नहीं खेलता। और मैं इसकी थोड़ी सी आवाज़ कम कर लेता हूँ ताकि मेरी आवाज़ आप लोगों तक पहुँच सके। और अभी तक जो है फ़ोन वो वार्म नहीं हुआ, कहीं से हीट अप नहीं हुआ, बड़ा सुकून दे फ़ोन चल रहा है। तो उतरते हैं हम इधर। और बाय द वे मुझे गेम खेलने नहीं आती है ना, आप लोग मजाक उड़ाओगे भाई ये क्या किया इसने। तो भाई उतरते साथ मुझे गन्स वगैरह जो है मिल गई है, 40 MS अभी मुझे इसके ऊपर देखने के लिए मिल रही है, और थोड़ा टाइम लगा रही है सामान उठाने में, लेकिन सही चल रही है गेम।
lab supplies. हम घोड़सवारी कर रहे हैं। वाह, ठीक है, मेरा घोड़ा लो एक। चल काका आ जा। I'm recalling a teammate. Thank you. Thanks. Thank you. I'm recalling a teammate. Thank you.
ओके भाई, तो तकरीबन भाई मैंने 18 मिनट की गेमिंग की है और सिर्फ 7% बैटरी इस फोन ने गिराई है भाई। 18 मिनट की गेम में 7% बैटरी, 88% बैटरी अभी भी है इसकी। और भाई ना ये हीट अप हुआ है ना वार्म हुआ है, वार्म भी नहीं हुआ। और स्क्रीन रिकॉर्डिंग के अंदर कहीं कहीं पर इसने हल्का फुल्का जिसे कहते हैं ना जर्क, मतलब कि थोड़ी सी हैंग होगी, एकदम ठीक होगी क्योंकि इस वजह से क्योंकि इसकी स्क्रीन रिकॉर्डिंग भी ऑन थी। और भाई अगर पबजी के लिए आप ये फ़ोन देखना चाहते हैं 60,000 की रेंज के अंदर, तो भाई वन ऑफ द बेस्ट फ़ोन हो सकता है 60,000 के अंदर। क्योंकि अभी 60,000 के अंदर आपको कोई अच्छा गेमिंग फ़ोन नहीं मिलेगा जिसमें आपको बैटरी अच्छी मिले, वायरलेस चार्जिंग मिले, 30 वाट का फास्ट चार्जर मिले और स्क्रीन रिकॉर्डिंग करने के बावजूद आपका फ़ोन हैंग ना हो, डिस्प्ले आपको 2K मिले। भाई आंखें बंद करके इस फ़ोन की तरफ चले जाएं, ये बेस्ट फ़ोन है। वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। इस वीडियो में मैं आपको फिर बता दूं, अगर आप ये फ़ोन बाय करना चाहते हैं तो ये फ़ोन हमें प्रोवाइड किया था हमाद भाई ने, जिनकी शॉप है सिंगापुर प्लाजा में। मैं एड्रेस यहाँ भी डाल दूंगा, नीचे डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा, उनका फ़ोन नंबर भी डाल दूंगा, चैनल का नाम भी डाल दूंगा, वहाँ पर भी उनसे रब्ता कर सकते हैं। ये फ़ोन आपको उनसे मिल जाएगा और भाई तबाही का फ़ोन है, आप लोग इसको आंखें बंद करके खरीद लें। वीडियो पसंद आई है वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों से शेयर करें। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।